मक्को काम काम कर देंगे गए काम काम ना करे भाई कि जाओ अच्छा काम करो काम करो सरपत नहीं हो देख देख देखो देखो खड्डो देख घर का शामी खड्डो है सांझी आवनी और जान तो पड़े गांव में तो ताई खुल की कह दे गई है भाई हमारा तो यही हो बैठ दिए और किन्ने और किन्ने कौन सी है सरपत मुंह देखवा टिक्का कोई नहीं करा सरपत सारे काम का काम करया करे हां सही लगे जी जिद्दे अमीश का ठोका नहीं अच्छा खुल की कहो खुल की अच्छा जम्मा मन को किसे किताब को किसे किताब आप देख रहे हैं सदक संसार और आरपी न्यूज चैनल से और अभी फिलहाल दादरी जिले के बारडा हलके के अंदर भारी वार मौजूद हूँ और यहाँ आने वाली 12 तारीख को जो है वो सरपंच पद के लिए चुनाव होने हैं। अभी पिछली 9 तारीख को ही यहाँ पे जिला पार्षद और बीडीसी के लिए चुनाव हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर गाँव के अंदर सरपंच पद के लिए जो सरगर्मियाँ कहूँगा बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी हैं, क्योंकि गांव का विकास जो है वो सरपंच प्रतिनिधि के ऊपर ही टिका होता है। और अभी यहाँ पे हमने देखा तो इस गांव के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक तरफा माहौल हमने यहाँ इस गांव के अंदर देखा कि गांव के काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पे श्रीमती मीना देवी जी हैं जो एडवोकेट महिपाल जी की धर्मपत्नी हैं, चुनाव मैदान में हैं और गाँव के कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे एक छोटी सी बातचीत करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। और ठीक सब? ये ठीक सब। क्या नाम ये बताओ? सूरजवान। सूरजवान। तो गांव में आप कितने सरपंच उठ रहे हैं? सरपंच तो चार उठ रहे हैं। चार उठ रहे हैं। तो गांव में मेन मेन क्या समस्या है? आपने मतलब भारी वर्ष गांव में आपने क्या समस्या देखी जो आज तक सरपंच पूरा नहीं कर पाया? मारा तो कुछ भी नहीं करया फिर नहीं बोली गंदगी गंदगी सड़क एक चीज शमशान घाट का रास्ता पानी की टंकी कोई सुविधा को नहीं कोई सुविधा को नहीं कोई सुविधा तो मतलब दोनों को गांव जॉइंट है मतलब जीतपुरा और बारीवास को गांव को एक के सरपंच बना है। तो पिछली साल कौन सा गांव को सरपंच था? पिछली गांव भी जीतपुरा को जीतपुरा को तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई उस व्यक्ति की? उठाई थी पर आवाज कोई सुने जज ने। अब की बार आप लोग किसको समर्थन दे जा रहे हैं कि जो लोग आपकी आवाज सुन लेगा? ये जी ये मीना देवी। मीना देवी तो लगता है कि आपकी आवाज को सुनेंगी और काम करेगा ये? हाँ जी। कुछ खास चीजें इनके अंदर आपको लगी हूँ? पढ़े लिखे? हाँ जी पढ़े लिखे हैं, जानकार भी हैं वैसे भी। अच्छा अच्छा। तो मतलब काम अब की बार ये लगता है कि भी अब की बार मीना देवी का जो है वो ग्राफ आपके अंदर अच्छा है? बहुत बढ़िया। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं और थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे आके और आगे की थोड़ी तस्वीरें दिखा दें और इधर से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यहाँ जो फोटो हैं इसमें दिखा दीजिएगा कि ग्राम पंचायत जीतपुरा बारीवास से सरपंच पद प्रत्याशी श्रीमती मीना जो हैं वो एडवोकेट हैं यहाँ पे श्रीपाल महिपाल जी। जिस प्रकार से माहौल आप देख रहे हैं कि गांव के गणमान्य लोगों ने जिम्मा उठा लिया है और एक डोर टू डोर जो अभियान है वो श्रीमती मीना देवी के लिए चल रहा है और कुछ गाँव के बुजुर्ग लोग। हाँ जी राम राम। राम राम। किस तरह जोड़ा डंडी ठा रखे हैं? ये वोटों के लिए। अच्छा अच्छा। तो अब की बार चुनाव माहौल क्या कुछ कहने वाला है आपके गांव के अंदर, किसको आप लोग ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं? हमारा मीना देवी को। मीना देवी को। कारण जान सकता हूँ कि भाई मेनली स्पेशली आपने फोकस इन्हीं के ऊपर क्यों किया है? ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम भी करवाएंगे, ईमानदार आदमी है। अच्छा, हर तरह से सही लगे हमें इसलिए। मतलब एक चीज़ और है कि गाँव में पीछे भी सरपंच बने हैं अब भी हैं तो उन लोगों से आपको भिन्न दिख रहे हैं? हाँ अलग हटके दिख रहे हैं। काम होने वाला है? काम होने वाला है। ईमानदार आदमी है, बढ़िया अच्छा भी है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए और पेशे से एडवोकेट वकील भी हैं? हाँ वकील भी हैं। उस चीज़ का भी फायदा मिलेगा? उस चीज़ का भी फायदा मिलेगा, जानकार आदमी है इसलिए काम की भी जानकारी है, काम करवाने वाले हैं। तो गाँव में माहौल कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक नंबर का। सही लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। गाँव के लोग? हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं गाँव के लोग। डोर टू डोर अभियान चल रहा है, आने वाली 12 तारीख को इस गांव का भविष्य निर्धारित होगा और पिछली 5 सालें भी यहां इन गांव वालों ने देखी हैं, अगले 5 सालों को किस तरीके से देखते हैं और जो प्रतिनिधि इनके बीच में है उनको किस रूप से देखते हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर वो कैसे कार्य करवाएंगे, तो बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। तो क्या करना चाहेंगे जिस प्रकार से आपके बीच में चुनावी दंगल है 12 तारीख को और किस प्रतिनिधि को आप लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? हम इस चुनाव में मीना वैभव महिपाल इसको भारी मतों से जिताने के लिए प्रयासरत हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एजेंडा है गांव के विकास के लिए है। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गांव में होनी चाहिए जो कि बच्चे बाहर जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि गांव में लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। उसके साथ साथ दूसरे गाँव में जोड़े जाने वाले जितने भी रस्ते हैं उन रस्तों को पक्का किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से सड़क जो है वो
काकड़ोली सरदारा की ओर जाती है, जहाँ बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कच्चा रास्ता है और गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी भी है। तो उन बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ कई बार फसलें जो होती हैं तो फवारे लगा दिए जाते हैं और जिससे पानी रास्ते में जमा हो जाता है, तो बड़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए पक्का रास्ता जो है काकड़ोली सरदारा स्कूल तक जीतपुरा से, एक हम उस के लिए भी प्रयासरत हैं कि हमारे गांव से एक पक्की सड़क काकड़ोली को जोड़ी जाए। हमें लगता है कि मीना देवी इस कार्य को पूरा कर पाएंगी। चलो और हैं उनसे बात, राम राम जी। राम राम जी। इस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा हर गांव के अंदर चुनावी माहौल में आ जाता है, तो आप लोग महिपाल जी को, उनकी धर्मपत्नी मीना देवी को किस तरीके से देखते हैं कि एजुकेटेड हैं और बीडीओ ऑफिस में भी वर्क करते हैं, इस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलेगा? देखो, गांव में जो भी ग्रांट आती है तो जो भी सरपंच बनता है उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि पैसा कहाँ लगाना है। उनको इतनी इस बात की जानकारी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह उसको प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका फ़ायदा गांव को मिलेगा, गांव का चौतरफा विकास होगा, गांव के बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पंचायती जो एकड़ ज़मीन पड़ी है, कुछ एकड़ ज़मीन पड़ी पंचायती, उसमें हम चाहते हैं कि गांव के युवाओं के लिए खेल कूद की उचित व्यवस्था की जाए, स्टेडियम वगैरह बनाया जाए ताकि उनका अच्छा विकास हो सके, एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, गांव के युवाओं का, गांव का पूरा भाईचारा बना रहे। अन्य प्रतिनिधियों से आप मीना देवी को, वाइफ ऑफ महिपाल जी को कैसे देखते हैं, और आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे कि 5 साल आने वाली कैसी होंगे आपके गांव में? देखो जी, हम डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। डोर टू डोर अभियान के अंदर हम हर घर में जा रहे हैं, वहाँ से हमें पूरा बहुमत मिल रहा है और हमें उम्मीद है जो हमारा कैंडिडेट है वो गाँव के विकास के लिए खड़ा उतरेगा। मतलब, और उस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलेगा कि पेशे से वकील हैं, मतलब थोड़ी एजुकेटेड हैं? कानूनी जानकारी का देखो फर्क तो होता ही है, उसे हर चीज़ का ज्ञान है, पढ़ा लिखा भी है। गांव में आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें मेन विकास के अंदर आती हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए? गांव की गलियां हैं, खेलकूद का मैदान है, लाइब्रेरी है, और ये हमारा महर्षि ने बताया था एक रास्ते की मोटी समस्या है, जो कि 3-4 किलोमीटर का रास्ता लगता है, वो कच्चा भी है और बारिश के टाइम में भी समस्या होती है, ज़्यादा गर्मी होती है उसके टाइम भी समस्या होती है। तो ये विकास के मुद्दे हैं, इनको हम सोल्व करने की गाँव से समर्थन ठीक मिलता है। हाँ, पूरा बहुमत। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और मेरे सभी गाँव वालों को नमस्कार। हम तो सिर्फ एक अपील करते हैं कि आप विकास को वोट दो और विकास जो पहले हुआ है उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, और जो हमारी गांव की जो समस्या है वो हमारे भाइयों ने पहले आपके आगे रख दी है, और जो और कोई नई आएगी सामाजिक होगी हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। और हमारा डोर टू डोर अभियान है वो खूब ज़ोर ज़ोर से चला हुआ है, हमारा पूरा बहुमत हमारे साथ है। धन्यवाद। राम राम। क्या कहना चाहूँगा, जिस प्रकार तो वोट मांगने खातर घूमन लग रहे हो, काम कुम किसा के हों करवाऊँगा? ये काम तो जी करवाना पड़ेगा इन्हें, हम गेल लग रहे तो करवा लेंगे। हाँ, गेल के हालत ने देखा ना, तो करवाना पड़ेगा। गेल नहीं सो के मतलब गली दिखा दे, एक बार गली दिखा दे सर जी। ये जो हैं ऐसी गलियां जो हैं वो आप लोगों को बहुत सारी देखने को मिलेंगी, तो ये काम हो रहा था? हाँ, ये सर 5 साल में ये गली संभालने भी को नहीं आएगी ना? कोई को नहीं आया, हरा वाला भी नहीं उनका। अच्छा, भी नहीं। अच्छा। 5 साल मतलब बढ़ा के चले गए। क्या इन्हीं के लिए हम लोग वोट देते हैं? क्या इन चीजों को अभी तक स्थगित नहीं किया गया है, क्योंकि गलियों के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन 5 साल के अंदर आप लोग सोचते हैं कि अगले वाला सरपंच प्रतिनिधि क्या इन्हीं गलियों के नाम पर वोट मांगेगा? गांव के अंदर विकास सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहता, गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं ऐसी हो जाती हैं जो अगर सरपंच प्रतिनिधि सोचे तो गांव जो है विकास की प्रगति पर आ जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो सरपंच प्रतिनिधि चुनाव मैदान में आते हैं सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से छोड़ करके जाते हैं तो यहाँ से ऐसी गलियाँ जो हैं वो बहुत कुछ ब्याह कर जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जीतपुरा गाँव के पास में एक गाँव है भारीवास गाँव, वहाँ के तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, और एक अंकल जी और भी हैं, उनसे भी और बातचीत करते हैं। हाँ, दोनों की बता रहा हूँ ना, दोनों की एक मिक्स पंचायत है। अंकल जी, यो माहौल है आपका बहुत बुरा है जी। तो यो सरपंच कड़ा जा रहे थे तुम,
कई कौन क्यों रिश्ता गौर बुरा जाओ गजब और बुरा है। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे गांव में कोई संभालता नहीं जी, बात ये है। अच्छा, छोटा गांव हो गया, पंचायत अटैच होगी, उनको काम करते हैं वो सब, उनके काम करते हैं। हाँ, तो अब की बार एक तो वो नहीं आता, सफाई वाला नहीं आता। अच्छा, सफाई वाला को नहीं आवा, कभी नहीं आता सफाई करना है। तो मीना देवी है, अब की बार आप भी लग रहे हो तो केला गया है, अब की बार वह काम करेंगे। करेंगी करेंगे नहीं, ये लड़का बढ़िया है, महिपाल है, बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, किस तरीके से बढ़िया है, कैसे मतलब कुछ शिक्षित है और सेवा, सामाजिक सेवा भी बहुत अच्छा लेता है। अच्छा अच्छा, बढ़ चढ़ के चलता है, बढ़ चढ़ के चलता है, तो उसी का फायदा मिलेगा। मिलेगा और नो काम ना करेंगे तो करवा लोगे? करवाएंगे बिल्कुल। सुनाओ है सरपंचा के। हाँ। और सब तो मेन काम हो गया गाँव में गलिया को। हाँ, गलियां भी गली। हाँ। मारी बनवाओ तो इस गली में आए, बड़ी दुर्दशा हो रही थी। दिख गिवा दाओ दिखाए जाए, बना हमने भी दिखाई। अरे यार देखिए, हम आपका डा है। हाँ, ये तो देख, सफाई वाले को नहीं आओगे? कोई को नहीं आवा रहा है। तो ये सरपंच में किसको जोर लग रहे हो? गूगल को, महिपाल को। महिपाल को तो महिपाल का काम करवा देगा? करवाओगे जैसे हमारे बगैल ने। और भी सरपंच रहे हैं? हाँ। और भी उठ रहे हैं फिलहाल भी? मैं और उठ रहा, वो उठ रहा है, काम तो मन्नत करवानी ही अलग है। महिपाल बिल्कुल ठोकी ठोकी, मतलब कोई दूसरे सरपंच देखा को देख ही जाओ, कोटर लागो ना हो ही जाओ, वो तो आप ही लागो ड्रकन लागो। ठोकी मोर मार के आओगे? ठोकी तो कौन सा निशान है? निशान निशान पेड़ नारियल, नारियल को। हाँ, गांव के मतलब सामूहिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है गांव में। तो गांव में एक तो अपने मतलब गलियों की जो है पक्का करवाना, और गलियों की साफ़ सफाई। हमारे गांव में देखो जैसे ये गली है, तो उस साइड भी निकासी है और इस साइड भी निकासी है, तो दोनों तरफ से मतलब गलियां लबालब भरी हुई गंदगी से। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है भाई, जो भी हमारे जो नवनिर्वाचित सरपंच बनेगा, तो उसी पहली रिक्वेस्ट होगी कि हमारे गांव के जो गंदगी है उसको साफ करवाया जाए और गांव में सुव्यवस्था का प्रबंध किया जाए। तो ये एक हमारी जो फिरनी की समस्या है गांव में, तो फिरनी की भी हमारी रिक्वेस्ट होगी सरपंच साहब से, जो नवनिर्वाचित सरपंच होगा, कि हमारी फिरनी को पक्का बनवाए। और एक शमशान घाट का हमारा रास्ता है, वो भी कच्चा है। हाँ हाँ, बच्चों को खेलने के लिए कोई? हाँ, बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ। नहीं बिल्कुल नहीं, खेलने भी कौन जाऊँगा? नहीं, वैसे बच्चे स्कूल में खेलते हैं, तो स्कूल की बाउंड्री जो सीमित होती है, छोटा गांव है तो बाउंड्री छोटी है। नहीं, कोई खेल ग्राउंड नहीं है हमारे गाँव का। धन्यवाद धन्यवाद। रखियो है सरपंच आम टाइम से जवाब है ना, उन्हें पकड़े पकड़े बूझ रहे हो कि यो करवाऊंगा तो वोट देंगे हम ही। मैं उन्हें लूए कहूं से मखा भाई पल, सही बात है, पलड़ा सरपंच नहीं हो देख नहीं करता। देखो खड्डो देख, घर का शामी खड्डो है, सांझी आवणी और जान तो पड़ेगा का मैं। हां, तो ताई खुल के कह दे यो करवाओगे तो वोट दूंगा नहीं, कौन दूं खिले जाए इसने मन मन कही है भाई, हमारा तो यही हो बैठ दिए और किन्ने और किन्ने कौन सी। हां, पक्की करवादा फिर तो इसी तो ताई गली घनी जगह पाओगे। महिपाल जी देख लो, मीना देवी सरपंच सरपंच मुंह देखवा टिक्का कोई नहीं करा, सरपंच सारे काम का काम करा करा। हां, तो लग करवा देंगे के ये काम? नहीं यो सही लग जी, जिद्दे हम इसका ठोकांगे। अच्छा, खुल की कहो? खुल की। अच्छा, जम्मा मन को किसे किताब को? किसे किताब? हां, तो ये देखो खुल की देंगे। गांव में अगर कोई काम करवाना और कहना होता तो ताई की ठोकी कह दियो भाई,
क्योंकि जिसके गली हो गए जो जीतेगा उसके गली ठोके काम भी करवा सको ना नहीं यो मोरजा हार जाएगा नहीं तो भी ना कोई नहीं करवावा हमें खड़ा रह खेल जाएंगे मार हाँ इसको मतलब खड़ा तो यही कर उम्मीद करांगे आगल का यो तो इसको मतलब नू लग गया है भाई कर भी यो ही सका है हाँ यो कर सका चार पांच उठ रहे हैं और कब उसकी बात कोई नहीं। तो ये देख रहे थे आप तस्वीरों के अंदर और ताई ने अपनी पुरानी बातें भी निकाली भी और नए सरपंच को आगाह कर दिया है कि ऐसा काम जो है वो करवा सकते हैं यही आप देख रहे थे सजग संसार और आरपी न्यूज आप देख रहे थे सजग संसार और आरपी न्यूज धन्यवाद जय हिंद जय भारत।